नमस्कार, स्वागत है आपका अनूपगढ़ ज्योति न्यूज चैनल में। अभी जो समाचार आ रहा है चूनावड़ से, स्थानीय वाटर वर्क्स के हालात बेहद खराब हो चुके हैं। पेयजल संकट को लेकर शनिवार को ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों के साथ सरपंच दंपति निशा चुग पर राजेश चुग ने ग्रामीणों के साथ जायजा लेते हुए कर्मचारियों व अधिकारियों को फोन से खूब खरी खोटी सुनाई। वहीं जगह जगह लीकेज होने से लापरवाह ठेकेदार को जिम्मेवार ठहराया। वाटर वर्क्स के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण पेयजल को लेकर स्थिति और गंभीर होती जा रही है। लोग अपने अपने साधनों व टैंकरों से पीने के पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कस्बे में एक दो दिन छोड़कर नाम मात्र पानी सप्लाई किया जा रहा है, जिससे कस्बे में पानी की न त्राही त्राही मची हुई है। पेयजल संकट गहरा रहा है। वही ग्रामीण सुरेंद्र भांबू, सुखदेव सिंह, लाल सिंह, ताराचंद, अशोक कुमार, काली राजकुमार भंडारी सहित अन्य लोगों का आरोप है कि कस्बे में पानी सप्लाई का कोई निर्धारित समय नहीं है और वह भी नाम मात्र छोड़ा जा रहा है। लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए अपने टेम्पो और बैलगाड़ी व मोटरसाइकिल पर पानी ले जाने को मजबूर हो रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ के कर्मचारी व अधिकारी एक दूसरे पर जिम्मेदारी थोप रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ के कर्मचारी टैंकर भरवा कर उनसे पैसे वसूल करते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ चल रहे निर्माण कार्यों के मालिकों से पैसे वसूल कर पानी सप्लाई देते हैं, जबकि कस्बे के अधिकांश वार्डों में पेयजल की भारी किल्लत है और पानी की त्राई त्राई मची हुई है। कर्मचारी लीलाधर जी, ये पानी नहीं आ रहा और लोग ये देखो बाइक पर ये टंकियां लेके पानी जा रहे हैं, कोई टेम्पो थ्री व्हीलर पानी लेकर जा रहे हैं। और गांव वासियों ने आपको और आपके अधिकारियों को भी अवगत करवाया काफी दिनों से, और उसके बावजूद ये हालात है, ये क्यों है? पानी की लागत ज्यादा है। ये ट्यूबवेल की जो मोटर है आप एक दिन छोड़ के सप्लाई दी है, फिर भी अब इतने ज्यादा दिन नहीं निकाल पाए, एक महीना नहीं रहे। लीलाधर जी, आप ये अधिकारियों के ऊपर आरोप लगाओ भी, हम ही अपने अधिकारियों को अवगत करवाया, अधिकारियों ने सुनी, डरते क्यों अधिकारियों से? ये ट्यूबवेल काम कर रहे हैं आप झूठ मत बोलना, आप झूठ मत बोलना, मैंने आपको कह देना दो महीने पहले तो मैंने कह दिया उनको। यार मैं अब क्या करूँ बता, मैं तो अब मेरे अपने अधिकारियों का नाम लो ना, मानते नहीं हमारे अधिकारी। किस अधिकारी को बोला आपने? दैयन अय्यन को बोला यार, दैयन को बोला। कितनी बार कहा आपने? से सीख करवाए कितनी बार कहा उनको? गांव वालों को बुलाओ, कई बार कह दिया भाई साहब। कितनी लापरवाह है वो भी, लापरवाह। अब लोगों को पानी की किल्लत इतनी है, लोग मर रहे हैं, त्राई त्राई कर रहे हैं पानी के लिए, और आप इतने लापरवाह। आपने पंचायत को अवगत करवाया या गांव वाले 10 आदमी बुलाए, हमारे अधिकारी हमारा कहना नहीं मान रहे हैं।